प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से रूबरू कराना है, जो अक्सर UPSC, SSC, PO, UGC NET, CDS, बैंकिंग और रेलवे आदि की परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रकृति को समझना सरल होगा। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी किरण कुमार रेड्डी, ऑप्शन सी जगन मोहन रेड्डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी 30 मई को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने ये घोषणा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जीत के बाद की। आंध्र प्रदेश में एक साथ हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 46 साल के YSR कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP को करारी शिकस्त देते हुए 175 में से 151 सीटों पर YSR ने शानदार जीत हासिल की है। उनके पिता YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के जाने माने नेता और मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2009 में जगन मोहन रेड्डी के पिता YSR रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, DRDO ने पोखरण परीक्षण रेंज से किसका सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए गाइडेड बम, ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन सी अग्नि 4 और ऑप्शन डी नाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गाइडेड बम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज से SU-30 MKI विमान से 50 किलोग्राम वर्ग के इनर्शियल गाइडेड बम का उड़ान परीक्षण किया। गाइडेड बम ने सफलतापूर्वक रेंज हासिल करते हुए लक्ष्य पर काफी सटीक रूप से निशाना लगाया। यह प्रणाली विभिन्न युद्ध हथियारों को ले जाने में सक्षम है। दूसरों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज से SU-30 MKI विमान से 50 किलोग्राम वर्ग के इनर्शियल गाइडेड बम का उड़ान परीक्षण किया। गाइडेड बम ने सफलतापूर्वक रेंज हासिल करते हुए लक्ष्य पर काफी सटीक रूप से निशाना लगाया। यह प्रणाली विभिन्न युद्ध हथियारों को ले जाने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि गाइडेड बम को लक्ष्य से पहले काफी पहले दागा जाता है। फाइटर जेट से दागे जाने के पश्चात यह अपने लक्ष्य को तलाश करते हुए हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्रिस्टन लेगार्ड, ऑप्शन बी थेरेसा मे, ऑप्शन सी एंजेला मर्केल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थेरेसा मे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट समझौते को संसद में पास कराने में असमर्थ रहने पर अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। अब तक 3 बार ब्रिटेन की संसद ने समझौता विधेयक को नामंजूर किया है। वह 7 जून को इस्तीफा देंगी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जमा नकदी पर सेवा शुल्क में कितनी वृद्धि की है? ऑप्शन ए 6 रुपये प्रति पैकेट, ऑप्शन बी 4 रुपये प्रति पैकेट, ऑप्शन सी 5 रुपये प्रति पैकेट और ऑप्शन डी 8 रुपये प्रति पैकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 रुपये प्रति पैकेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह बैंकों द्वारा जमा की गई नकदी पर सेवा शुल्क को बढ़ाकर 100 पीस के 5 रुपये प्रति पैकेट की मौजूदा दर को बढ़ाकर अधिकतम 8 रुपये प्रति पैकेट करने की अनुमति देगा। इसके लिए केवल एक मुद्रा चेस्ट जो न्यूनतम मानकों को पूरा करती है एक बड़े आधुनिक CC के रूप में वर्गीकृत होने के योग्य होगी। संबंधित कार्यालय द्वारा ऐसे वर्गीकरण के बाद ही बढ़ी हुई दरों का शुल्क लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में भारत GDP में कितनी वृद्धि की अनुमानित की है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 7.25%, ऑप्शन सी 6.25% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7.25%।
दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी आर्थिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि 7.25% के करीब मजबूत होने का अनुमान है। यह वृद्धि बेहतर वित्तीय स्थितियों, राजकोषीय और अर्धराजकोषीय प्रोत्साहन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ADB ने भारत में रेलवे पटरियों के विद्युतीकृत के लिए कितने डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 500 मिलियन, ऑप्शन बी 750 मिलियन, ऑप्शन सी 450 मिलियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 750 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रेलवे पटरियों को विद्युतीकृत करने के लिए 750 मिलियन डॉलर प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण परियोजना को निधि देने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम को ADB द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल संप्रभु ऋण है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की जैव कृषि समिति को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। केरल की जैव कृषि समिति को ऑर्गेनिक मेडल ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है। ज्ञात हो कि यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया में स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 30 मई को झी चोंग चीन में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पांचवें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। पांचवें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंडिया, सोलर इंडिया, बिल्डिंग्स इंडिया और वाटर इंडिया एक्सपो शामिल हैं, का उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। भारत में स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए प्रासंगिक उत्पादों और समाधानों के एक विशाल प्रदर्शन के माध्यम से यह कार्यक्रम भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजू जनता दल, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बीजू जनता दल। दोस्तों, ओडिशा में हुए विधानसभा चुनावों में नवीन पटनायक की पार्टी ने 112 सीटों पर जीत दर्ज की है। BJP को 23, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 1 सीट मिली है। ओडिशा में सरकार बनाने के लिए 74 सीटें आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओडिशा में मुख्यमंत्री पद कौन धारण करेगा? ऑप्शन ए गिरिधर गमांग, ऑप्शन बी हेमनंद बिस्वाल, ऑप्शन सी नवीन पटनायक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीन पटनायक। ओडिशा में नवीन पटनायक लगातार पांचवी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2000, 2004, 2009 और 2014 में सरकार बनाई थी। राज्य में ब्रांड नवीन की वजह से 73 वर्षीय मुख्यमंत्री का एक बार फिर से सत्ता में आ गए हैं। अब वह लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सिक्किम के पवन चामलिंग और पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु के बाद वह तीसरे शख्स होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।